एक नया युग आ रहा है। जाए तो मूवी को सिनेमाघरों में दूसरा वीकेंड चल रहा है और पहले वीकेंड में मूवी ने इतने रुपए कमाए कि आज से पहले किसी भी बड़े सुपरस्टार की मूवी वहां तक पहुंच भी नहीं पाई है। अब होता क्या है कि प्रभास की जो फिल्में रिलीज होती है वो मेगा बजट फिल्में होती है, यानी कि मूवी का जो बजट होता है वो तकरीबन 500-600 करोड़ रुपए तो आप नॉर्मल मानकर चलते हो। और कल्कि के साथ भी वैसा ही हुआ था। कल्कि का कई बार नाम भी बदला जा चुका था। एक मल्टी स्टार कास्ट थी जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल जैसे लेजेंड हमें देखने को मिले थे। मूवी ने वैसे कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए जो कि अनगिनत रिकॉर्ड माने जा रहे हैं। एक तो इस मूवी को 100 से ज्यादा देशों में रिलीज किया गया था, उसके बाद में ओवरसीज मार्केट में ये 500 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली मूवी बनी है। अपने रिलीज के पहले दिन फैंस की तरफ से मूवी को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। हालांकि मूवी की जो कहानी थी वो एक बार फिर से कमजोर दिखी थी, लेकिन प्रभास की दमदार एक्टिंग के आगे कुछ भी नहीं चला। 5 अलग अलग भाषाओं में और 6,000 सोच के साथ मूवी ने तकरीबन पहले दिन 196 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, जिसमें से 96 करोड़ रुपए मूवी ने नॉर्थ अमेरिका से कमाए थे कंप्लीटली। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंडिया के ही नहीं, ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है। दुनिया में इनकी फिल्में काफी पसंद की जाती है, हर तरफ इन्हें काफी प्यार मिलता है। अपने रिलीज के 4 ही दिन में जो कल्कि का जो आंकड़ा पहुंचा था वो तकरीबन 500 करोड़ के पार पहुंचा था और सबसे कम दिनों में 500 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली इंडियन मूवी बनी। और अभी की बात की जाए तो अभी वर्किंग डे चल रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वर्किंग डे में कितनी भी बड़ी मूवी क्यों ना हो, उसका डाटा होता है ना वो गिरता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मूवी की कमाई एक बार फिर से बढ़ेगी। सैटरडे और संडे आ चुके हैं तो ऐसे में मूवी की जो कमाई होगी उसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। एक बार फिर से ये मूवी 50 करोड़ रुपए के आसपास हिट कर पाएगी। और वर्किंग डे की बात की जाए तो वर्किंग डे में भी मूवी काफी अच्छे से डील कर पा रही है। 32 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए के आसपास ये मूवी चली है। वही अगर आज की कमाई की बात की जाए रिलीज के 8वें दिन की, तो 8वें दिन जो मूवी का जो डाटा इंडिया से आ रहा है वो तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए आ रहा है। ओवरसीज मार्केट से 26 करोड़ के पार पहुंचे। देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये मूवी कहां तक सरवाइव कर पाती है, कहां तक इसका आंकड़ा पहुंचेगा, क्या ये मूवी 1,000 करोड़ रुपए कमाने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करेगी।